भरतपुर जिले के चिकसाना थाना अंतर्गत कई गांवों नूरपुर चकहत कौली हेतमपुर बल्टीगढ़ी चिकसाना के ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया। इन गांवों के रहने वाले दर्जनों छात्रों एवं काफी संख्या में ग्रामीण नवयुवकों के बैंक खातों में लाखों रुपए आखिर कहाँ से आए। इन गाँवों के लोग आज भी इसे लेकर असमंजस की स्थिति में है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों को लग रहा है कि कहीं वह किसी बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं हो चुके, जिस कारण उन्हें उनके बच्चों को कहीं जेल की रोटी खाने को ना मजबूर होना पड़े। अभी तक सूत्रों से मिली प्रथम जानकारी के अनुसार नूरपुर निवासी रवि पुत्र राजवीर सिंह का कहना है कि 10 अप्रैल के आसपास गांव का ही संदीप पुत्र भाव सिंह उसके पास आया और कहा था कि आप अपना बैंक एटीएम मुझे दे दो। मेरे मित्र थाना चिकसाना अंतर्गत सौरभ पुत्र वीरी सिंह निवासी बल्टीगढ़ी की बहन की शादी है और उसके पैसे एक नेवी में भर्ती कराने वाले भर्ती दलाल पर फंसे हुए हैं। उसके रुपए 10 लाख से अधिक की राशि हमें वापस बैंक खातों में डलवानी है। लॉकडाउन के चलते वह हमारे पास पैसे वापस देने हमारे गांव नहीं आ पा रहा और इस समय सौरभ को अपनी बहन की शादी में पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए आप भी हमारे साथ उसकी मदद करें। इस प्रकार मदद करने के बहाने गांव नूरपुर के ही दर्जनों लोगों से उनको खाते की जानकारी और बैंक एटीएम दर्जनों की संख्या में इकट्ठे किए गए। लगभग एक सप्ताह के अंदर 2 लाख से लेकर 5 लाख तक इन दर्जनों खातों में लेन देन किया गया और फिर कुछ एटीएम ग्रामीणों को वापस कर दिए गए। जब डरे और सहमे हुए ग्रामीणों के साथ इंडियन प्राइम न्यूज चैनल की टीम पहुंची तो थानाधिकारी की कार्यशैली पर कोई सवालिया निशान खड़े होते नजर आए, जहां बैंक प्रबंधक द्वारा खुद को पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर खाता से लेन देन रोकने की बात सामने आई तो वहीं पुलिस ने बैंक द्वारा सूचना देना बताया। लेकिन जब कैमरे के सामने ब्रांच मैनेजर से जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहा तो वह उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने का बहाना बनाकर कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। साथ ही जब टीम थाने पर जानकारी लेने पहुंची तो थाना अधिकारी मीडिया से दूरी बनाकर अपने सरकारी आवास पर विश्राम करते मिले। थाना अधिकारी द्वारा पीड़ित ग्रामीणों द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करने व मीडिया से दूरी बनाने को लेकर जब पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी से बात की गई तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत थाना अधिकारी को निर्देश देकर मामले दर्ज कराकर चैनल की टीम को मामले से अवगत कराने का निर्देश दिया, जिसके उपरांत ही थाना अधिकारी ने पीड़ितों से परिवाद प्राप्त कर कैमरे के सामने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान हेतु टीम गठित करने की बात स्वीकारी। वहीं एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा पकड़कर छोड़ने व कई दिनों तक ग्रामीणों के थाने पर चक्कर काटने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं करने पर भी थाना अधिकारी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। अब इस मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी राशि का लेन देन आखिर क्यों और कहां से किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक एवं स्कूली छात्र को ही शिकार क्यों बनाया गया। कहीं इस प्रकरण के पीछे पाकिस्तान के साथ साथ किसी अन्य देश की भारत में कोरोना वायरस फैलाने जैसी घिनौनी बड़ी साजिश के साथ साथ कोई अन्य साजिश तो नहीं छिपी है जिससे अंतर्राष्ट्रीय अपराध को बढ़ावा दे रही हो। कहीं यह कोई आतंकवाद से जुटा हुआ मामला तो नहीं है। आखिर खुलासा होने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। वहीं लोगों का मानना है कि अगर पुलिस की जांच निष्पक्ष होती है तो मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। भरतपुर से संवाददाता राकेश सिंह फौजदार की रिपोर्ट। पिताजी का नाम? रहने वाले कहाँ के हैं? एटीएम आपका भी यूज किया गया? यस सर। किसके द्वारा? सौरभ के द्वारा। कब दिया था एटीएम आपने? एटीएम दिया था 15 दिन पहले। वापस मिल गया? वापस नहीं मिला। एक ट्रांजेक्शन भी हुआ है आपके खाते से, आपको पता है? ट्रांजेक्शन हुआ है सर, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है। कितना? ओवर लिमिट 5-6 लाख है। 5-6 लाख के आसपास एक ही एटीएम से? एक ही एटीएम। कितने दिन के अंतराल में? करीबन 7-8 दिन के अंतराल में। अच्छा, तो मुकदमा दर्ज करा दिया? अभी नहीं करवाया आपने? नहीं किया, अगर कराएंगे। एटीएम सौरभ के द्वारा यूज़ किया? जी सर। डायरेक्टली दिया था आपने किसी के द्वारा? डायरेक्टली दिया। ठीक है। जेल में जाके थोड़ी देगा बंदा है, वो भीतर जाके। नहीं नहीं, आपने सौरभ को देखा था थाने पे? नहीं देखा हमने। नहीं नहीं, भैंस ना देखो, पर भाई को चाचा कह रहे हो,
नूरपुर कह रहे कि छुड़ा के ले जा रहे हैं बंदे। नूरपुर के ने बताया था मुझे पुलिस मौके पे एक बार लेके आगे पूछताछ के लिए उसको लेके तो आए। हम तो मंदिर में बैठे जब जो कह रहे बंद नहीं, जब नूरपुर कर भी कह रहे कि ले जाएंगे छुड़ा के, नूरपुर के ना को बंद हुए छोड़ा, इतना देखा हम तो मंदिर में बैठे बैठे यही बता रहे कि बंद है इन्होंने। हेलो, देखा नहीं है उसको बंद? देखा नहीं, वैसे बता रहे कि बंद है। पिताजी का नाम रहने वाले कहाँ के हैं? तो आपका एटीएम का मामला है? कितना किसको दिया था आपने? 100 रुपए। कितने दिन पहले? तकरीबन 1 महीना हो गया वो जब से दी नहीं। अभी दिया नहीं वापस आपको? तो आपको भी संदेह लगता है मामला एटीएम यूज़ करने का? मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? कब करवाओगे? अभी संज्ञान में आया मामला जी। मतलब माँ बंदे नहीं बताया, फिर मैंने एक दूसरे लड़का से फ़ोन करवाया, जब कही के मैं आ रहा हूँ चिकसानी हूँ जी, जब ऊपर छत पर चढ़ गए, जब बात से पूछी कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने एटीएम अपनों दे दियो और मतलब बाकी दो मैंने अपने याद बन के और दे दिए, और माने मतलब पैसा आयो जन कहाँ थे कौन सा पैसा आयो और सारे पैसा माने निकाल लें, अब जाकर वो फूट हुआ भंडा। ये इस कंडीशन पे सर जी मैंने मतलब रिपोर्ट, मतलब आपको गुमराह करके आपका एटीएम लिया, यूज कर लिया गया करके हमारे बच्चा को, तो इसमें आपने मुकदमा दर्ज करा दिया? नहीं करा, भी सोच रहे आज जा रहे हैं साहब, तो आप मुकदमा दर्ज कराइए इसमें, मुकदमा दर्ज जिससे कि पुलिस इस पर सही कार्रवाई कर सके। मुकदमा परसों का साफ बताए, परसों लिखी रिपोर्ट सारा काम है, लिखा हुआ है आपके पास में भी है, लिखा हुआ दिखाएंगे आप? वो तो घर पर रह गया। ठीक है, आप उसको मंगाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभराम सिंह चिकसाना। चिकसाना के रहने वाले हैं? तो आपका भी एटीएम से जुड़ा हुआ मामला है? मेरा नहीं है, मेरे बच्चे के, इनके बच्चू सिंह के बच्चे ने आलू के पैसे के बहाने से मेरे बच्चे का एटीएम लिया कि मैं आलू के पैसे डलवाऊंगा जी, और लेके ये ले गया, तो मेरे बच्चा ने जब बम पैसा लेके तो मैंने आलू के पैसा डलवा रहा, ऐसे करके वो संग पड़े हो, तो इनके लल्लू को एटीएम दे दिया। कितनी रकम डलवाने की बोला उससे? 80-85 हज़ार आए मेरे घर वाले कहीं के आलू के पैसे आए गए तेरे, बोला आए गए तो एटीएम दे, मेरा एटीएम में वो देगा है, जब जी परसों के दिन नूरपुर का भंडा भरेगा, जब मैंने छोड़ा थे कही तो जब इनके लंदन गई भाई मैंने बाबू दे दे बल्टी गड़ी के सौरभ को, तो ये सारा मामला बल्टी गड़ी सौरभ से जुड़ता है, सौरभ का है, उन्हीं का है, सौरभ का सब जालसाजी, बाने खुद ने भी नहीं लगा रहे, दूसरे बच्चों को निकलवाए, ऐसे सुन रहे गाँव में कि बाने बच्चे लगा रखे हैं, और खुद ने अपना एटीएम दिया नहीं है, और समझ के यार दोस्त ने तू तैयार न पल लिया, ऐसे बाने बहुत सारे इकट्ठे किए तो ये घटना है, तो हम तो मैं तो पता ही नहीं, हम पहले अभी थाने पे आप तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं, जब आपको जानकारी मिली है इनके लल्लू पे, हम मुकदमा कराए, हम तो इनके लल्लू पे थे, मुकदमा स्टाम्प लिखवाया, मुकदमा दर्ज करवाने का, हम तो तैयार हैं, हम बाकायदा ना, हम पहले तो इनको लल्लू ले गए आलू के बहाने थे कि आलू के पैसे डलवाएंगे, हम बात 100 रुपए आपके आपके बेटे के, इनके इनके बेटे ने लिए, हां गंगापुर मेरे बेटा ने इनके तैयार की, साथ साथ में मित्र थे, साथ साथ मैं बच्चा ने जो कही तू एटीएम का करो मेरे खाते में डलवा दे, मैं तुझे निकाल के दे दूंगा, बोल नहीं यार मेरा कोटा है, मैं तो इतना विश्वास ना है, तो मेरे लड़के ने इनके लड़के के लिए दे दिया है, और संदीप ने मतलब माँ बनने नहीं बताया, फिर मैंने एक दूसरे लड़का से फोन करवाया, जब कही के मैं आ रहा हूँ चिकसानी हूँ जी, जब ऊपर छत पर चढ़ गए, जब बात से पूछी कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने एटीएम अपनों दे दियो और मतलब बाकी दो मैंने अपने याद बन के और दे दिए, और माने मतलब पैसा आयो जन कहाँ थे कौन सा पैसा आयो और सारे पैसा माने निकाल लें, अब जाकर वो फूट हुआ भंडा। ये इस कंडीशन पे सर जी मैंने मतलब रिपोर्ट, मतलब आपको गुमराह करके आपका एटीएम लिया, यूज कर लिया गया करके हमारे बच्चा को, तो इसमें आपने मुकदमा दर्ज करा दिया? अभी नहीं करा, भी सोच रहे आज जा रहे हैं साहब, तो आप मुकदमा दर्ज कराइए इसमें, मुकदमा दर्ज जिससे कि पुलिस इस पर सही कार्रवाई कर सके, मुकदमा परसों का साफ बताए, परसों लिखी रिपोर्ट सारा काम है, लिखा हुआ है आपके पास में भी है, लिखा हुआ दिखाएंगे आप? वो तो घर पर रह गया। ठीक है, आप उसको मंगाइए। क्या नाम है सर आपका? बच्चू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? चकत कॉली हितमपुर। क्या मामला है सर आपका? सर मेरा मामला है कि मेरा लड़का गंगापुर पढ़ता था साथ इस सौरभ के जी, बल्टी करी का सौरभ जी का लड़का, उसके साथ गंगापुर पढ़ता था, अब ये कोरोना से बाद में ये गंगापुर से मेरा लड़का आ गया, तो ये घर पे आया, इसने मतलब एटीएम मांगा कि मेरे पैसे
मेरे पास में नेवी के पैसे फंसे हुए और मुझे तू एटीएम दे दे अपना जी। और दूसरे दिन फिर आया कि तो मुझे तू कैसे भी करे दो एटीएम और दे दे मुझे दो एटीएम या को लड़का भी पड़ो गंगापुर। तो दो दो और दूसरे दो लोग कौन थे? हमने पता नहीं सर, ये संदीप जी चिकसाना सोगरिया को जी हमारे लड़का ने यार यारी दोस्ती में ये चार पांच लड़का पड़े। एक लड़का उसका ओम प्रकाश का चिकसाने का ही जी और उसका नाम गौरव है गौरव। ये तीन काठ उसके मांगने से हमारे लड़का ने मतलब दे दिए जी कि इसने साहब अब दो तीन दिन है गए ये जब हमें मतलब माठोरी मालूम भाई कैसे आए ये नूरपुर का लड़का था एक वो यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर पर वो उसके हिसाब से हमें पता चलो ये रात को हमारा लड़का वहाँ से घर से एक लड़का से बात कर रहा था इनके से संदीप थे जी। मैंने एक दूसरे लड़का से पूछी कि तू कैसे बात कर रहा है ऐसे ये तो बहुत देर रहेगी तो बात माने कही कि संदीप के घर का चक्कर है और ये तो वहन चुकू लाला मैटर बन गया जी। ग्रामीणों के द्वारा सर एक मामला सामने आया मीडिया में भी आया ये रिपोर्ट कि हमारे एटीएम यूज़ कर लिए गए हैं और उनमें काफ़ी लेन देन हुआ है इसकी जानकारी सर आपको कब हुई और अभी इसमें अभी क्या कार्रवाई हो रही है सर? तारीख 25/4/20 को थाना इलाका में सूचना मिली कि कुछ एटीएम में पैसे डाले गए जिसके बारे में जानकारी दी तो पता चला कि इलाका थाना में पीएनबी बैंक के एटीएम में कुछ पैसे डले हैं जिनकी जांच है थाना आया से सुरेंद्र सिंह एसआई के नेतृत्व में टीम गठित की जा करके जांच की जा रही है। टीम रवाना की है साइबर सेल के साथ में तो प्रकाश में अभी आज इस संबंध में जिन लोगों के एटीएम काम में लिए गए हैं जिन लोगों के खातों में पैसे आए हैं वो देवेश पाल ब्रजेश वगैरह गोविंद वगैरह सोनवीर वगैरह निवासी चक अथकोली ने रिपोर्ट पेश की है कि सौरभ नाम का लड़का हमारे एटीएमों को मांग के ले गया था और हमने उसको खाता नंबर बताया था अपने पिन नंबर एटीएम के पिन नंबर बताए थे और उसको अपने एटीएम पिन नंबर दे दिए। उसके बाद में हमें पता चला कि हमारे खातों में एक से लेकर 5 लाख रुपए आए हैं और निकल गए हैं जिसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है FIR दर्ज हो गई है और जो भी कार्रवाई आगे साइबर सेल की मदद से मेन सरगना जो मुलजिम है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।